अदनान सिद्दीकी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत से। आप पहली दफा हमारे शो पे आए हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस शो से? तो शायद दिस इज द सेइंग व्हिच आई क्रिएटेड, व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ यू गेट द बेस्ट। ये शो थोड़ा अलग है, मुख्तलिफ है, थोड़ा सा हटके है। हाँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। थोड़े से परेशान आप हैं? हाँ। ओके, मेरे दिमाग में कई सवालात हैं और कई जवाब भी हैं उसके। ओके, और कुछ ऐसे सवालात हैं मैं जिनके नहीं चाहता हूँ कि जवाब मिले। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, कोई इतनी खास नहीं है, मगर आई एम एक्साइटेड एज वेल। ऑलराइट, ओके। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, I just want to say one thing first of all. I believe that George Clooney is the Adnan Siddiqui of America. That's, thank you so much. And that's exactly what I want. कि अगर उसको ये पता लगे कि कोई अदनान सिद्दीकी है पाकिस्तान में, तो वो जाके ये फखरिया कहे कि भाई मैं पाकिस्तान का अदनान सिद्दीकी हूँ। बिल्कुल, तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आज जो हम आपके साथ कुछ अटेम्प्ट करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, hopefully that's going to be as much fun for you as it will be for me, because it's something I bring it on. I'm really excited. All right. Because I absolutely love doing this. So in a way, you're sitting in my office. This is what I do. Beautiful office. thank you. So शुरू करते हैं हमारे rapid fire round के साथ। मेरे पास कुछ सवाल हैं और मैं आपसे सवाल करूँगा, but जैसे usual rapid fire में होता है कि आप फट करके फौरन जवाब देंगे, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। आपको ये करना है कि फट करके आपको सोचना है फौरन, तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो उसका जवाब सिर्फ अपने जहन में सोचना है। ओके, ऑलराइट। सो अदनान सिद्दीकी, पहला सवाल है ये, उरूसा ड्रामा सीरियल का रीमेक हो तो आपका कैरेक्टर किस पर ज्यादा सूट करेगा? ऑलराइट, तो अब इसका जवाब आप अपने दिमाग में लेके आए। एंड ओके, मैं जो हूं ये पहली दफा हो रहा है मैं किसी मर्द की आंखों में देख रहा हूं। डोंट वरी, इट्स ऑल फॉर दिस। अच्छा, मैं इतने ज्यादा एक्टर से फेमिलियर नहीं हूं, सो आई एम टेकिंग अ चांस ऑन दिस फर्स्ट वन बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप, बट आई हैव रिटन समथिंग ओवर हियर। व्हाट इज द नेम? बिलाल अब्बास। दैट्स व्हाट आई गॉट, सो आई थिंक वी आर ऑन अ गुड स्टार्ट। वी आर ऑन अ गुड स्टार्ट एंड इट्स ओके, यू कैन रिलैक्स। आई कैन सी योर यू नो अ लिटिल टेंस्ड। मजे की बात यह है कि मैंने रूसा जी सीरियल, मेरा पहला सीरियल था ये। ओके, सही है। और मैंने, मेरी उसके साथ बड़ी एसोसिएशन भी है। ऑलराइट, और क्लेम टू फेम भी मैं ये कह सकता हूँ उसको। तो मैंने अभी उसका स्क्रिप्ट एक्वायर किया है, उसके राइट्स लिए हैं। ऑलराइट, और मैं पहले दिन से इसी नाम पर। अच्छा, मतलब यू आर ऑन दिस नेम? यस। अगर ये आपने सवाल भी बनाया है तो मुझे इस सवाल का नहीं पता था। ओके, और आपको शायद नहीं पता था कि मेरे पास रूसा स्क्रिप्ट है। ओके, मुझे नहीं पता था। यकीनन। यस। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी आर ऑन टू अ ग्रेट स्टार्ट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा हटके है। ये आपकी कैरेक्टर के बारे में है जो आपने प्ले किया अभी रिसेंटली। शहवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ओके, सो इसका जो जवाब है, अब कुछ भी हो सकता है, इसका जवाब मैं जहन में लेके आए। और तो थोड़ी देर के लिए मैं, आई कैन इमेजिन दैट, क्योंकि मुझे इस तरीके की तो शहवार से लोगों को बड़ी अजीब सोच वाबस्ता थी लोगों की, मगर मेरी बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा, हाँ, सही। लेकिन मैं चाहता हूँ आप शहवार के माइंडसेट में। मैं शहवार के माइंडसेट में हूँ। सही। आई थिंक ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी का नहीं बल्कि किसी कैरेक्टर का माइंड रीड कर रहा हूँ। Okay, I think knowing that character, because I'm also an avid follower of, you know, that drama, I think it's going to be something close to this or this. Kya jawab hai iska? Shahwar ke liye kya ek cheez hai jo bahut important? Acha, dekhiye,
उस कैरेक्टर के कुछ ऐसी चीजें थी जी जो लोग समझते हैं वो पैसे का भुखारी है। सही है। कुछ लोग समझते हैं कि मगर मेरे लिए कुछ और है। आई थिंक मोहब्बत। That is exactly what I was able to receive from your mind, from Shehwar's mind. तो आप देख ले, शेवार पैसे के लिए नहीं पागल था, मोहब्बत का भूखा था वो। जी, और आपसे अच्छा कौन जान सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता था कि भाई वो विलन नहीं है। Yes. उसने झूठ नहीं बोला है। Yes. उसने कहा कि भाई ठीक है, फ्लर्ट किया उसने, मगर उससे उसको मोहब्बत हुई। Yes. जब भी वो शादी करने जा रहा था, कमबख्त बीवी आ गई। जिस तरीके से आप कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर, उस तरीके से कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एंड आई थिंक पब्लिक को बहुत चीजें ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए होती हैं, व्हिच इज नॉट द केस। सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ। मैं जब ये किरदार अदा कर भी रहा था, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया ये बात। ओके। अपनी तरफ से बड़ा रोमांस कर रहा था मैं जी उस किरदार के साथ। ओके। तो वो शेवार महवेश के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था उस वक्त। अब आप उसको फ्लर्ट कह लें, कुछ कह लें, मगर मैं उस मोड में होता था कि जैसे ये रोमांस है मेरे लिए। It was real. Kind of. I like that. Kind of. Okay, so the next question is, which project did you enjoy making most? आपने बहुत सारे projects पे काम किया है, Hollywood में भी काम किया है. You worked all over the place. तो एक I know the answer. You know the answer right away? Yeah. That means I should be able to get something from you. Interesting, because प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनी थिंग, बट देर इज वन थिंग दैट्स कमिंग टू मी राइट अवे। इंटरेस्टिंग। व्हाट इज, एक बात बताऊं? जी बोले। आई वाज एक्चुअली फॉलोइंग योर हैंड। ओके। और मुझे लगता है आपने सही लिखा। ओके। क्योंकि तीन ही लव्ज़ हैं। ओके, यू राइट, आई एम राइट, इट्स मॉम, और डू यू थिंक इट्स वाव? वाव, मॉम, वाव। ओके, ग्रेट, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू, ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू अदनान। ओके, ये बहुत फन है क्योंकि इस तरीके की चीजों का मुझे भी बहुत शौक है। इफ यू हैड वन सुपर पावर टू गिव टू your character Shehwar, so you have to go in that mindset again, what superpower would that be? So just think about it and वैसे आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, इन सुपरहीरो कैरेक्टर्स में और ये सब फॉलो करते हैं आप? ऑलराइट, ओके, थिंक अबाउट इट। सुपरहीरो कह ही दिया। ओके, इंटरेस्टिंग, is what I am. ये तो आप समझ लें कि आप what is it? Because I think the answer is really flattering. Mind reading. It's mind reading. That's what I got. अगर काश ये मैं पढ़ लेता जी तो उस दिन मैं शादी नहीं कर रहा होता। काफी सारी चीजें मुख्तलिफ होती फिर। हाँ। उस कहानी जो है वो बिल्कुल बदल जाती। All right, so this is the last one and it's a very unique question, so I like what I have here. What is the one thing that is next on your bucket list? So maybe aapke future ke ideas ke baare mein hame shayad kuch insight mil sake, but aapke bagair bataye, mere through. Okay, so think about the answer. What is next for you? What is the next big thing that Adnan would want to do? Think about this. You already have an answer? Yeah. You have decided already. This is something that's been going on in your mind, I think, then. For quite a time. Okay. I don't know how this would make sense because this is not what I was expecting, but it's very interesting to see you
यू नो diving into like uncharted territory or like you know different waters. What is it? Absolutely, this is it has an association with my work. All right. And I feel that you know I enjoy this okay. too. But yes, it's introducing some brand. So and, Adnan's own brand. Kya yaar? And where are you going? Come back. ये क्या है? And you know what? At this point in time, I'll tell you that I can already see this being an extremely successful venture for you. So, congrats in advance. Thank you so much. Congrats in advance. Thank you, thank you. So, बहुत अच्छा लगा आपके ख्यालात के बारे में कुछ जान के. But I believe that आजकल की ज़िंदगी में, आजकल के दौर में, एक शख्स की या किसी भी इंसान की ज़िंदगी का पूरा हाल जो है वो उसके समझे एक छोटी सी चीज़ में होता है, वो फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन. हाँ. एंड यानी सारे काम जो होते हैं हमारे, यू नीड टू कम्युनिकेट विद एनीवन, एवरीथिंग इज़ ऑन योर फ़ोन. सो इन ऑर्डर टू गेट टू नो यू बेटर रादर देन रीडिंग योर माइंड, वी आर गोना यूज़ योर फ़ोन फॉर दिस. ओके, सो इज़ इट ओके, इज़ इट, आर यू कम्फर्टेबल विद दैट? इफ़ वी, डोंट वरी, आई वोंट आस्क यू टू डू एनीथिंग. यू कैन. Out of the ordinary. All right. That's the spirit. But मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना फ़ोन खोलें and फ़ोन अनलॉक करें. अपना फ़ोन अनलॉक करें. Don't worry, I'm not going to guess the password. I'm not that good. But किसी भी कॉन्टैक्ट पे जाएं. Go to any contact, any okay. contact name, and try to keep your phone to yourself. So, okay. like, no camera can see what's going on. Just keep it to yourself. पीछे कोई कैमरा नहीं है, don't worry. But keep it to yourself and open the contact. And I want you to type a one-liner message to this contact. So WhatsApp? WhatsApp, your text message is completely up to you. कुछ भी हो सकता है. तो आप इस contact को एक message type करेंगे, पर send नहीं करिएगा. अच्छा, मेरा फोन थोड़ा हैंग हुआ हुआ है. श्योर श्योर श्योर. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. मैं अभी मैं कोशिश करूंगा. मैंने अभी बंद किया हुआ. अच्छा अच्छा, वापस वापस ऑन कर रहा हूँ. ऑन कर रहा हूँ. ओके ओके, क्योंकि हैंग हो गया. ओह ओके, मे बी इट्स ये आपकी माइंड रीडिंग की ताब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. नो, व्हेन यू स्टार्ट, एंड दिस इज समथिंग लाइक सीरियस, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद एनर्जी, एंड इन अ मोमेंट आई विल आल्सो शो यू समथिंग रिलेटेड टू दैट, यू कैन एक्चुअली disrupt the energy or the frequencies around you. In a moment I'm going to also tell you what I mean, but abhi uske baare mein sochte hain. But bother you, know, because you know you're around everywhere. Absolutely. And absolutely. Then you meeting all walk of life. Absolutely. So absolutely. How you keep yourself really calm in such a environment? I have to really, you know, be careful with who I hang out with. I have to really make sure that my energy is always clean and positive, because jab aap energy work start karte hain na, when you start practicing, I call this Tikaboo telepathy. This is the Tikaboo technique. It's what? Tikaboo. Tikaboo. Tikaboo, yeah. This is a technique known as Tikaboo, and it lets you not only feel people's vibes and their energies, but you can also sense their thoughts using the Tikaboo technique. Okay. Hopefully now aapne apna phone khol liya. Khol liya ji maine. And ab aap kisi bhi ek कॉन्टैक्ट पे चले जाएं, एनी कॉन्टैक्ट नेम, एंड टाइप अ वन लाइनर मैसेज टू देम, बट डोंट सेंड इट. ओके अदनान, डोंट सेंड इट, डोंट सेंड इट. हो गया जी? हो गया. सो यू हैव टाइप्ड अ मैसेज बट यू हैवंट सेंट इट येट. ऑलराइट, अब मैं चाहता ये हूं कि आप ऐसे इमेजिन करें. I need to ask you some basic questions. This is someone you know. Very well. Okay, so this is someone you know. All right. It's going to be a bit difficult, but I want you to imagine that person is me. जो भी शख्स के बारे में हम सोच रहे हैं, I don't know if it's a girl or a boy, someone older, younger, I don't know that. But imagine that it's me and try to just morph my face and my appearance into them. And as you start doing that, I'm going to try to get a sense of what's happening over here. Interesting. Okay, I'm gonna start saying some things that are coming to me right away. All right, interesting. Young energy,
Yes. A female. Yes. Hair till like over here, shoulder length. Yes. Dark hair. Yes. Tabia something. Taiba. Taiba. Yeah. Taiba or is it? Yes. That's the name? That's the name. And who is that? A friend. A friend. Imagine sending that message to me from your mind. Imagine you're sending that message to me. I believe the message you're sending is, when are we having food or lunch or dinner or something like that? ये तो बता दें, am I correct or not? My God. Taiba, when are we going for dinner? All right. And bhai khatarnak ho bhai tum. And earlier on, I was telling you about working with energies, right? And now do me a favor, lock your phone. Lock your phone. Locked. Hand it to me. Okay, it's locked. Okay. If you look closely. Now do me a favor, look at me for a second. This is not right. I can sue you. यार ये फोन खोल दिया इसने यार, ये क्या है यार? Who are you? Shahir. Everybody can clap, please. Thank you. Well done, yeah. Thank you. I am simply impressed. Thank you. Oof. Am I free now? Yes, I think before we go, I just want to thank you so much. No, thank you so much. I mean, this is something which I just cannot believe it. मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा. मैं यहाँ से जाऊँ, आप अपने दिमाग को मेरे दिमाग से निकाल के दूर फेंक दीजिए. Yes. क्योंकि मेरा नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके बाद. एंड हमारी एक यहाँ पे एक समझे एक ट्रेडिशन है. जी जी. जब आप बिल्कुल फ्रीक आउट हो जाएं या आप बिल्कुल समझे जब इम्प्रेस हो जाएं, तो देन यू हैव टू प्रेस द माइंडेड बटन रिपीटेडली, व्हिच इज राइट हियर. सो यू हैव टू, इफ यू थिंक यू आर इम्प्रेस्ड एंड अमेज्ड. ओह यस, डेफिनेटली. ऑलराइट, वंस अगेन. यस, वंस अगेन. ऑलराइट. You are an absolute legend. I look up to you. You're a legend, yeah. Thank you. Oof. Thank you. I look up to you in my everyday life. It really means a lot to me ki aapne waqt nikala aur aap yahan pe aaye. I'm really honored. So all right. Thank you. Thanks a lot. Thanks all a right. lot. And with that being said, yaad rahe ki insaan apni zindagi mein aaj tak sirf apni brain ka 10% istemal karte aaya hai. Aur agar baki ke 90% ka potential aapko pata lag jaye, so then you will mind it. Thank you so much and good night.